तो ये ईद पे कर रही है चलिए ठीक है लेकिन ये लाइटर कहां से आया इसके पास ये लाइटर होता है सिगरेट जलाने के लिए अब कई लोग कहेंगे नहीं जी मैंने रेडिट पे देखा था कि कई लोग कह रहे थे एक्चुअली लाइटर मुझे दिख गया था बट कमेंट में रेडिट पे कई लोग कह रहे थे नहीं जी हमारे घर में तो हमारे घर में कोई स्मोक नहीं करता लेकिन लाइटर हमेशा रहता है भैया वो लाइटर डिफरेंट होता है वो लाइटर होता है इस टाइप का और इससे आप गैस जला सकते हो या कैंडल जला सकते हो या कोई भी चीज आपको जलानी है तो आप जला सकते हो इससे लेकिन जो इस टाइप का होता है ना जो थम से प्रेस करके चलाते हैं ये सिगरेट लाइटर होते हैं और चलिए सिगरेट लाइटर भी देख लीजिए है इनके घर आप बोलेंगे नहीं स्मोक करता तो भी मैं नहीं मानूंगी लेकिन जिस तरीके से सनी ने एक सेकंड के अंदर चला दिया था ना उससे इमिडिएटली समझ आ गया था कि ये बंदा स्मोक करता है क्योंकि अब जैसे सपोज आप किसी ऐसे बंदे को दो ये लाइटर चलाने के लिए तो वो डरेगा क्योंकि सबको डर लगता है मुझे भी डर लगता है मैंने अगर मैं चलाऊंगी तो मुझे लगेगा मेरे हाथों पे स्पार्क आएगा और सब अभी कहते हैं अरे हाथ पे लगेगा जल मैं ऐसे कर रही हाथ पे लग रहा है तो वो कर रही थी डर रही थी अल्लाह हाथ पे लग जाएगा सनी तू तो रोज छुट्टा फूकता है पांच पांच बार तू ही जला तो सनी आया एक झटके में कटाक से ऐसे जला दिया और ना वो डरा ना वो घबराया और ना वो उसके हाथ पे कोई स्पार्क लग रहा था तो इससे कंफर्म हो जाता है कि सनी स्मोक करता है कोई गलत बात बात नहीं है 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 दुनिया स्मोक उसमें क्या है? बड़ी बात है। लेकिन ये छुपाते हैं ये जो होते हैं ना अपनी अच्छाइया अच्छाइयां दिखा रहे हैं और अपना कुछ भी ऐसी हरकत जिसमें ये थोड़ा भी गलत लगे वो छुपाते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम है जैसे इसका भाई भी सट्टा पीता था और नेहा ने बोला कि दीपिका भी पीती थी चलिए बहुत लोग पीते हैं इंडस्ट्री में बाहर भी पीते हैं दुनिया में लड़के लड़कियों में ऐसा ऐसा कोई डिफरेंस है 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 नहीं जिसको पीना है, पीए। लेकिन फिर इस तरह से भोले भाले मासूम बन जाते हैं गाइस ये गुनाह गुनाह तुम्हें पड़ेगा रमजान के दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए गुनाह लगेगा अल्लाह देख रहा है आ, तुम तेल में तले जाओगे ये सब क्या ड्रामा है भैया साफ बोलो में पीते हैं आदत है नहीं लोग मुझे भी तो कहते हैं गुड किंग मैं हूँ गुड किंग मैं पहले खाता था अब नहीं खाता अच्छा दांत तो तेरे अभी भी बता रहे तो खाता है तेरे दांत जा जाके सफाई करवा करवा के थक चुके है फिर तेरे दांत गंदे हो जाते हैं तो तू तो खाता ही है गुटका उसमें क्यों शर्माता है बोलो हाँ अभी खाता हूँ मेरी आदत है हाँ मैं सिगरेट पीता हूँ सिगरेट हानिकारक है सेहत के लिए बट मेरे को आदत है मैं पीता हूँ बोलो हम जंग ठूसते हैं हाँ हम है, झूठ हाँ बोलते हैं हाँ हमने हिजाब नाटक के लिए रखा था हाँ हमने ये सब धर्म का जो नाटक कर रहे हैं हमसे ब्लॉगिंग के लिए करे बोलो ना आके सफाई दो अपनी जरा तो ये बताओ कौन पीता है तुम्हारे यहाँ सिगरेट ये लाइटर सिगरेट लाइटर कहा से आया तुम्हारे घर में और तुम बेडरूम में ले जाते हो लोगों को जो ना मेरा मैं तुम्हारा शूट कर रहा है इस तरह से बैठे ये कल के ही ब्लॉक का है जो मैंने इसको उस बारे में ज्यादा बोल नहीं पाई तो मैंने कहा इसमें कवर कर देती हूँ तो बेडरूम तुमने एक बार दिखा दिया तुम्हें फटके पड़े भैया तुम हिजाबी हो अपने बेडरूम में नहीं दिखाओ ऐसे बेडरूम बेडरूम नहीं दिखाना चाहिए अभी फिर से चद्दर बदलोगे तो दिखाओगे तकिया बदलोगे तो दिखाओगे गुलदस्ता लगाओगे तो दिखाओगे भैया मजाक बना रखा है क्या तुमने तुमने हिजाब का मजाक बनाया हुआ असल में तो और वो तुम्हारा एक होता है बेडरूम का टूर हल्का सा दे दिया न बैठोगे भी बेड में दोनों बैठ जाओ हंसो मुस्कुराओ देखो इतराओ एक दूसरे को देख के फिर दो चार इमोजी भी लगा दो वो भी दिखा दो अभी व्यूज कम हो जाएंगे तो अभी ये सब करोगे करोगे व्यूज खत्म हो जाते हैं तो फिर तुम करते हो ना उल्टी सीधी हरकत थोड़ा सा एक थोड़ा सा पॉइंट डाल दो कि व्यूज आ जाएं। तो आप बताइए अगले अगले तक बता देना से आया अब अब सफाई आएगी अब देखो कमेंट पड़ती है पॉडकास्ट सुनती है तो सफाई आएगी कहीं ना कहीं सनी ये जो ना अक्रम भैया थे उनका लाइटर छूट गया था तो सनी ने खाया मैं खेल लेता हूँ इसलिए सनी पूरा दिन बैठ के खेल रहा था इसलिए उसको एकदम से चलाना आ गया इसलिए उसने जैसे ही ये चलाया फ्लेम आ गई वो डरा भी नहीं तो फ्रेंड्स ऐसा ऐसा नहीं बोलना गुनाह पड़ेगा सनी बहुत अच्छा है बोलना सनी तो अच्छा है बोल हा, हाँ गाइस ये बहुत प्यारू हो बेटू हो तो मेरी जान हो तो फ्रेंड हाय फ्रेंड वो लाइटर अकरम का था तो मैं ऐसे खेल रहा था खेलते खेलते चल गया मुझे आ गया हाँ मैं हूं गुटका किंग हाँ मैं खाता था गुटका लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुधर नहीं सकता मैं पीता था सुट्टे बाजू मैं सुट्टा सुट्टेबाजू पॉइंट जीरो हूं मैं जनाब है सुट्टा साला है मेरा सुट्टा पीता है तो मैं नहीं पीऊंगा सुट्टा मैं भी पीता हूं मैं किसी से कम हो क्या तो ये अब देखते हैं क्या सफाई पेश करेगी अगर उसके उसको पह, पता तो चल जाएगा वो रेडिट पे पड़ी रहती है रेडिट पे सारे लोग कमेंट्स लिखते हैं अच्छे खासे तो रेडिट पे पढ़ रही होगी अब उसको एक स्क्रिप्ट बना रही होगी सनी अब हम क्या करेंगे रमजान के दिनों में तो झूठ भी नहीं बोल सकते मैंने कहा था कल के ब्लॉग में कि रमजान के दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए तो अब हम क्या करेंगे कैसे कवर अप करेंगे सनी बोलता है छोड़ ना छोड़ जाने दे पब्लिक तो बेवकूफ है क्या फर्क पड़ता है नहीं सनी मैं कुछ ना कुछ झूठ बोल दूंगी क्या फर्क पड़ता है मैं तो रोज ही झूठ

कि जो इसने कल अपनी भाभी से पूछा था कि आप आ, स्काई व्यू गए थे या फ्रेम अच्छा एक और भी चीज है ना फ्रेम फ्रेम नहीं गए थे भाभी ने कहा नहीं नहीं हम स्काई व्यू गए थे हम स्काई व्यू गए थे एक बार बोल दिया मैंने स्काई व्यू गए थे तो स्काई व्यू गए थे चाहे वो फ्रेम हो लेकिन अब वो स्काई व्यू बन चुका है हमारे लिए और तुम्हारे लिए भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकती हो तुम समझी तो अच्छा मुझे लगा फ्रेम था तो वो मेरा पॉडकास्ट मुझे बहुत ज्यादा डाउट है कि उसने देखा होगा तो मुझे उसमें एक और चीज है उससे की जो पॉडकास्ट मैं उस पर बनाती हूँ तो उसका तो पूरा बनता है भाई इंटरेस्ट कि मैं देखूं मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं करे कहीं मैं पकड़ी तो नहीं गई ऐसा नहीं मैं पकड़ी जाऊंगी तो फिर मैं क्या करूंगी बेटो कुछ नहीं करना अपना मुंह लेके एकदम प्यारू वाला दिखा देना फिर मैं तुम्हें बेटू प्यारू कर दूंगा फिर तुम पब्लिक डे को बन जाएगी अच्छा सनी अच्छा सनी तो उसने अपना तो देखती है चलो ठीक है उसने दीपिका वाला देखा भाई क्यों देखा दीपिका वाला क्योंकि मैंने लिखा था कि पब्लिक को उल्लू बनाया स्काई व्यू बोल के फ्रेम में गए तो दीपिका वाला देखने में से क्या इंटरेस्ट है इसको तभी इंटरेस्ट होगा ना कि हाँ भाभी का कुछ एक्सपोज हुआ भाभी की बेजती होगी इस पॉडकास्ट में भाभी के ऊपर लोग हंसेंगे सुनू क्या सुनू एक होता है ना स्टेटिस्टिक प्लेजर तो वो कि भैया तुम किसी से जलते हो तो तुम्हें उसकी बुराई सुनने में मजा आता है किसी से तुम्हें कंपटीशन है अननेसेसरी तो तुम्हें उसका बुरा सुनने में या उसकी उसके ऊपर कोई हंस रहा है तो वो सुनने मजा आएगा तो इसलिए अपना भले ही उसको टाइम ना मिल रहा हो लेकिन वो भाभी वाला जरूर देखेगी भाभी के बारे में क्या कहा गंदा गंदा बोला के लोग हंस रहे हैं मजा आया यही तो मेरा एम है मेरे मेरे को मैंने भाभी का पूरा यूज कर लिया अब मैं चाहती हूँ भाभी का पूरा ये ना चैनल बंद हो जाए फिर मजा आए मजा आएगा भाभी हमें ऐसा ऐसा ही करती थी हमारे नए कपड़े अपने लिए लेती थी और फिर हमें पुराने दे थी अब हम ऐसा चाह रहे हैं कि भाभी का चैनल बंद हो जाए लेकिन भाई अल्लाह भी बैठा है ऊपर ऐसा नहीं होगा कि सारी तुम्हारी ही चले समझे तो ऐसा तो हो, होगा नहीं चिंता ना करिए लेकिन अः इसका जवाब दे दीजिए क्योंकि आप पॉडकास्ट तो देखेंगी

की मतलब गैस भी चला सकते हो तो ये सब करेगी अभी तो चलेगा इतना सा ही बनाना था मुझे इसके इस टॉपिक पे तो आप इफ यू लाइक इट प्लीज बने रहिए एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव ग्रेट डे बाय बाय